इंदौर से अगली खबर, जहां पर इंदौर से उज्जैन के बीच चल रह सकेगी अब मेट्रो ट्रेन। जो कि केंद्र की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये मेट्रो चलाई जाएगी। केंद्र की रिपोर्ट पर राज्य सरकार मेट्रो का काम शुरू कर सकती है। इंदौर उज्जैन के बीच शुरू हो सकता है मेट्रो का काम। सांसद शंकर लालवानी ने सीएम से काम शुरू करने की मांग भी की है। तो बता दें आपको कि मेट्रो के लेकर तैयारियों को लेकर, उसकी शुरुआत को लेकर लगातार अलग अलग स्तरों पर कोशिशें की जा रही थी, लेकिन अभी ये पॉजिटिव खबर आ रही है कि मेट्रो को लेकर इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो के काम को अब जल्दी ही शुरू किया जा सकता है। इंदौर उज्जैन के बीच ये मेट्रो का काम शुरू हो सकता है। सांसद हैं इंदौर के शंकर लालवानी, उन्होंने सीएम से काम शुरू करने की मांग की है। तो केंद्र की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अब मेट्रो यहां पर चलाई जा सकेगी। सर्वे रिपोर्ट में तमाम चीजों को एकदम माकूल पाया गया है मेट्रो चलाने को लेकर इंदौर और उज्जैन के बीच में। अब राज्य सरकार इस संबंध में अपने तरफ से जो काम राज्य सरकार को करने हैं वो काम शुरू कर सकते हैं। इसी को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से काम जल्दी ही शुरू करने की मांग की है। तो ये एक बड़ी सौगात मानी जाएगी मध्य प्रदेश के लिहाज से, जहां पर मेट्रो को लेकर केंद्र के जो सर्वे था उस सर्वे में काम को मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो का काम जल्दी ही शुरू होगा। इस बीच इंदौर से हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अंशुल, जाना चाहेंगे आपसे, ये एक राहत और वाकई में एक बड़ी सौगात वाली खबर है, चूंकि सर्वे रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक काम जल्दी ही शुरू हो सकता है मेट्रो का, अभी और क्या जानकारी आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सीएम ने घोषणा की थी कि इंदौर और उज्जैन के बीच भी मेट्रो चलाने की संभावना है और इसके लिए सरकार के द्वारा पूरे प्रयास किए जाएंगे और इसी के लिए केंद्र सरकार से बात की गई थी और केंद्र सरकार ने एक सर्वे कराया, जिस सर्वे में यह बात निकल करके सामने आई है कि इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन जो है उसको चलाया जा सकता है और वो सर्वे रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को भी सौंपी गई है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद अब यह उम्मीद जरूर हो गई है कि इंदौर से पीथमपुर और इंदौर से उज्जैन के लिए जो है मेट्रो ट्रेन जो है वह चलाई जा सकती है और इसी को लेकर अब इंदौर सांसद ने दो पत्र भी लिखे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिसमें कहा गया है कि इंदौर उज्जैन के बीच क्योंकि एक कॉरिडोर बनना है, लोगों की आवाजाही अच्छी के लोग महाकाल दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में इंदौर से जाते हैं और उसका एक केंद्र जो है वो इंदौर ही है, तो इंदौर और उज्जैन के बीच जल्द ही मेट्रो का काम जो है वो भी शुरू किया जाए और इसकी प्रक्रिया की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए ताकि इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो चलाई जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा पेच जो था वो यही था कि सर्वे रिपोर्ट में यह सामने आ सकता है कि इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन उस सर्वे रिपोर्ट केंद्र सरकार की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें यह बात साफ हुई है कि इंदौर और उज्जैन के बीच में ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसके चलते मेट्रो ट्रेन को रोका जा सके। तो एक बड़ी उम्मीद जो है अब इंदौर के लोगों को यह भी कि जल्द ही इंदौर और उज्जैन के बीच भी मेट्रो का काम जो है वो यहाँ पर शुरू किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इंदौर और उज्जैन के बीच जल्दी ही अब मेट्रो का काम शुरू किया जाएगा। केंद्र ने सर्वे की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है और राज्य सरकार अब कभी भी काम शुरू कर सकती है इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो के लिए।